राजगीर गुरुद्वारा पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। गुरु नानक देव शीतल कुंड साहिब में टेका मत्था। इस दौरान सीएम ने नवनिर्मित गुरुद्वारे का किया निरीक्षण। जैसे लोग आते हैं पटना साहिब में, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जो जन्म स्थान है उसको देखने के लिए, उसी तरह से लोग गुरु नानक देव जी महाराज के लिए भी जरूर यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये मामूली बात नहीं। सारा कुंड का पानी गर्म और एक जगह जहाँ पर वो आए और यहाँ के पानी को शीतल कर, यही मान्यता है। तेजस्वी यादव ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। का सरकार नहीं सुनती है जनता की बात। कौन संरक्षण दे रहा है? इस मसले पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर में नहीं बात करती। एनसीईआरटी का आंकड़ा का जिक्र करते हैं, हत्या आपका बलात्कार के मामले में बिहार दूसरे और तीसरे नंबर का राज्य है। अपहरण के मामले मुकेश सहनी और शाहनवाज हुसैन को मिला बिहार विधान परिषद के एमएलसी होने का प्रमाण पत्र। इस दौरान कमिश्नर संजय अग्रवाल समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। रांची में जेएमएम विधायक सीता सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान करने की बात कही। हम कह रहे हैं कि कोरोना काल जब तक हुआ है, तब तक हम लोग के बीच में जो जनता पब्लिक और नेताओं के बीच में कई दूरियां तो बढ़ ही गई थी, धीरे-धीरे करके। सरायकेला के चांडिल अनुमंडल अस्पताल पहुंचा कोरोना वैक्सीन का दूसरा खेप। वैक्सीन को अनुमंडल अस्पताल के विशेष शीत गृह कमरे में रखा गया है। रांची में कृषि बिल के विरोध में भाकपा माले ने राजभवन के पास किया विरोध प्रदर्शन। इस दौरान पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके में मरे हुए कौवे को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल। लोगों ने जताई बर्ड फ्लू की आशंका। कैमूर जिले के डडवास पैक्स में किसानों को धान बेचने में हो रही समस्या। अधिकारियों के मनमानी के कारण खलियान में जम रहे हैं धान। रांची में झारखंड हाईकोर्ट ने सहायक अभियंता नियुक्ति का विज्ञापन किया रद्द। कल से होने वाली थी मुख्य परीक्षा। जब चूंकि 2019 में यह लागू हुआ था तो 2019 के बाद के होने वाली नियुक्तियों में इसका लाभ मिलना चाहिए, ना कि उससे पहले के विज्ञापनों में उसका लाभ मिले। इसके लिए रंजीत कुमार शाह के द्वारा एक झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी। जिला पार्षद सदस्य मुखिया पूर्व मुखिया एवं मुखिया प्रतिनिधि ने संयुक्त रूप से फीता काटकर प्रगति बाल विकास योजना का किया उद्घाटन। इस योजना के तहत विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों को किया जाएगा शिक्षित। बुजुर्ग पुरुष और महिलाओं को भी दी जाएगी शिक्षा। रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर मेडिकल छात्रा पूजा भारती के हत्यारों को जल्द पकड़ने के लिए इंसाफ की मांग को लेकर वैश्य मोर्चा ने किया प्रदर्शन। इस दौरान लोगों ने हत्यारों को जल्द पकड़ने की मांग की। लातेहार और सरायकेला में चलाया गया सघन वाहन चेकिंग अभियान। इस दौरान गहनता से की गई वाहनों की जांच। मुंगेर जिले के तारापुर डाकघर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 2 लाख मिलने की अफवाह के कारण डाकघर में लगी भीड़। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा नहीं है इस प्रकार की कोई योजना। मोकामा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। गुप्त सूचना के आधार पर मोकामा इंस्पेक्टर राज नंदन शर्मा ने मिनी गन फैक्ट्री का किया पर्दाफाश। बाड़ अनुमंडल के 15 थाना क्षेत्रों से देसी शराब की बड़ी खेप की गई बरामद। इस दौरान पदाधिकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। सरायकेला में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। डीएसपी ने लूटकांड का किया पर्दाफाश। अभियुक्त को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूर्णिया के केहाट थाना क्षेत्र में पुलिस कांस्टेबल के घर चोरों ने किया सफाया। बता दें चोर ताला तोड़कर 10,000 नगद सहित करीब 1.5 लाख रुपए की जेवर लेकर हुए फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बोकारो में घर से ट्यूशन पढ़ने गई छात्रा के लापता होने का मामला आया सामने। वही पुलिस मामला दर्ज कर लापता छात्रा की तलाश में जुटी है। मसौढ़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों ने रेलवे स्टेशन के पास जानकी मार्केट में मचाया हड़कंप। पैसा न देने पर दुकानदारों के साथ मारपीट करने का आरोप। बीच बचाव करने आए पुलिस को भी भगाया।